हेलो साथियों मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर बहुत बहुत आप सबका स्वागत है भई सुबह हो चुकी है तो उठ जाओ मेरे प्यारे जाग जाओ और प्रेम से बोलो जय माता दी ठीक है राधे राधे तो आज का जो कोर्स है आज का विचार है क्या है जीने का बस यही अंदाज रखो जीने का बस यही अंदाज रखो जो तुम्हें ना समझे जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो या कहने का अर्थ करें कि जीने का बस यही अंदाज होना चाहिए कई बार हम सोचते हैं कि भाई क्या करे क्या होना चाहिए है ना कई बार हमारे मन में होता है कि भाई क्या करे क्या नहीं होना चाहिए तो हमेशा ये सोचे कि भाई जीने का यही अंदाज होना चाहिए कि जो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो उसे आपको क्या करना चाहिए तो नज़रअंदाज करो ठीक है हाँ अगर वो समझ रहा है तो तो ठीक है नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं जाए भाड़ में जाए है ना तो ऐसा आप लोग को सोचकर रखना चाहिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आपके सामने है बायोटिक और अबायोटिक कल आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था एक बार विकास है सतीश है श्याम है है ना सुनील है आरडीएक्स है तो बायोटिक और अबायोटिक। अगर हम लोग बात करें तो कल जब हमने इसे पढ़ा था तो आपने ध्यान दिया था कल तो तो आपने यह ध्यान दिया था कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि जो भी आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इनके बारे में जब हमने पढ़ा था तो जब इनके बारे में बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था तो और आबायोटिक तो आबायोटिक कल हमने पढ़ा था आबायोटिक का मतलब हो गया लिविंग आज हम लोग को पढ़ना है बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में तो देखिए क्या लिखा है जैसे कि प्लांट्स है प्रोटिस्ट है एनिमल है है ना आपका फंगस है बैक्टीरिया है ये सब आपका दे रखा है किसके बारे में तो ये सब आपका दे रखा है बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अब अगर हम लोग इसको जाने और समझने का प्रयास करते तो बायोटिक का मतलब क्या हो गया कल हमने आपको बताया भी था बायोटिक का मतलब क्या हो गया आपको दिख नहीं रहा है एक मिनट आप लोग रुकिएगा जरा बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, है कुछ सिस्टम गड़बड़ा गया दरअसल तो दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो बस एक मिनट का आपका समय होगा ठीक है जी हाँ एक मिनट खाली समय लगेगा क्योंकि कुछ चीजें जो हैं आपको समझ में नहीं आ रही होंगी ठीक <laughs> है तो चलिए अब यानी तो हम लोग देख रहे थे बायोटिक और अबायोटिक तो जैसे ये आपका बायोटिक है और ये आपका अबायोटिक ठीक है तो आज हम लोग बात करेंगे बायोटिक बायोटिक का मतलब हो गया जैविक घटक के बारे में ठीक है कल हम ने बात किया था दोस्तों अबायोटिक यानी कि अजैविक घटक के बारे में पढ़ा था नगन सतीश अब जरा ध्यान दीजिए अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा जैसे कि लिविंग थिंग्स यानी कि जैसे प्रोटिस्ट है प्लांट्स है एनिमल है फंगाई है है ना तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये आपका जैविक घटक है ये सब क्या है ये आपका जैविक घटक है आज का टॉपिक भी यही है और इधर जो है नॉन लिविंग ये सब आपका अजैविक है जो कि कल आपका हो गया था ठीक है कल ये आपका हो गया था अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी था ठीक है यानी कि प्लांट का किंगडम प्लांट किंगडम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जरा जल्दी से बताइए प्लांट किंगडम के बारे में किसने बताया है प्लांट किंगडम के बारे में किसने बताया है जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग हाँ जी एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी है ना जल्दी से बताइए प्लांट किंगडम के बारे में किसने बताया हुआ है प्लांट किंगडम के बारे में किसने बताया है जल्दी से आप लोग को बताना है किसने बताया है प्लांट किंगडम के बारे में आर एच वीटकर प्रतीक्षा गंगवार बिल्कुल सही जवाब दिया है यानी कि आर एच वीटकर के द्वारा यानी कि बताया गया है ठीक है बिल्कुल ठीक जवाब है आपका भाई देखिए थोड़ा बहुत तो पढ़कर आना पड़ेगा इनके बारे में बताया है पांच तरीके से प्लांट किंगडम को इन्होंने डिवाइड कर रखा है बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है आपका अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों तो यहां पर आप देख पा रहे हो क्या है कि बायोटिक फैक्टर्स के बारे में अब बायोटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं यहां पर ध्यान देने वाली बात है यानी कि जो जो आपका जैविक घटक है कौन से घटक हैं जैविक घटक है इनको प्रभावित करने वाले कारक तो वो आपका डीकम्पोजर्स हो सकते हैं कंज्यूमर हो सकते हैं प्रोड्यूसर हो सकते हैं और अबयोटिक केमिकल्स हो सकते हैं यानी अगर हम कारक के बारे में बात करें किसके बारे में प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में तो पहला आपका आ जाएगा जैसे लिखा है डी -कम्पोजर्स।, कम्पोजर्स का मतलब अपघटक इसी तरीके से फिर आ जाएगा कंज्यूमर कंज्यूमर का मतलब हो गया उपभोक्ता उपभोक्ता के बाद प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक और इसके बाद से आबायोटिक का मतलब अजैविक तो ये सभी के सभी वो कारक हैं जो कि जैविक घटक को प्रभावित करते हैं ये सभी वो कारक हैं जो कि आपके जैविक घटक को प्रभावित करते हैं ये सभी वो कारक हैं जो कि जैविक घटक को प्रभावित करते हैं बोलिए इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बताए इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बताए अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो साफ साफ लिखा है कि डी में कौन कौन आएगा जैसे कि आपका बैक्टीरिया और फंजाई है ठीक है इसी तरह आबायोटिक में कौन कौन आएगा ये कल हमने आपको पढ़ाया था जैसे कि कोई भी हो जैसे गैसेस है एन टू है एस टू है एस टू है कोई भी गैस हो एस ओ टू है कंज्यूमर में कौन कौन आएंगे तो उपभोक्ता के बारे में अगर हम कहें तो कल हमने आपसे पूछा था जैसे प्राइमरी होता है सेकेंडरी होता है, है टर्सरी तो ये सब क्या है कंज्यूमर है और उत्पादक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये सभी के सभी क्या है उत्पादक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे बिल्कुल यहां तक का कोई समस्या नहीं हुई होगी ठीक है अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है अब जरा ध्यान देंगे पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा जरा हम ध्यान देते हैं पेपर में प्रश्न आपसे क्या पूछा गया जैविक घटकों को प्रभावित करने वालों में शामिल नहीं है जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा मृदा दूसरे नंबर पे आ जाएगा घटक तीसरे नंबर पे आ जाएगा और क्या कहते हैं जीवाणु और चौथे नंबर पे आ जाएगा उपभोक्ता अब आपके ऑप्शन है ठीक है एक तीन दो दो तीन चार एक दो तीन या डी है ऑल क्या होगा इसका आंसर बताइए जैविक घटकों को प्रभावित करने वालों में शामिल नहीं है कौन सा शामिल नहीं है हाँ जी कौन सा शामिल नहीं है है ना और एक हो जाएगा यहां पे ऑप्शन ई एक दो तीन चार तो क्या हो जाएगा कौन शामिल नहीं है याद रखिए यहाँ पे हमने कहा कि जैविक घटकों को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है मृदा है अब घटक हैं जीवाणु हैं उपभोक्ता हैं तो यहाँ पर आंसर क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका सभी का सभी होगा ठीक है कि यहां पे देखिए जब ये शब्द नहीं शब्द हो तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक टाइप का होता है और इसका आंसर सभी होगा है ना या तो इसका आंसर आपका ये होगा या तो आंसर इसका ये होगा आंसर में नहीं लिखा है पर उस पर आपको नहीं जाना है ठीक है इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चनों का यही जवाब होता है कल हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे चलिए अब आप लोग से क्या कहा जा रहा है बायोटिक uh, कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है यह आपके सामने है तो देखिए प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स का मतलब उत्पादक हो गया यानी कि कंज्यूमर्स इसका मतलब उपभोक्ता हो गया और डी कंपोजर्स इसका मतलब अपघटक हो गया क्या हो गया अपघटक ठीक है और प्रोड्यूसर्स का मतलब उत्पादक हो गया तो उत्पादक हो गया उपभोक्ता हो गया अपघटक हो गया अब हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो है ना तो इसे हम क्या करते हैं पहले इसे हम जूम कर लेते हैं चलिए ये जूम कर लिया अब देखिए यहां पे है दोस्तों उत्पादक क्या है उत्पादक है ये आपका कंज्यूमर्स है यानी कि उपभोक्ता और ये हो गया अपघटक देखिए उत्पादक क्या होता है ऑर्गेनिस्ट डेट्स मेक्स दियर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस यानी कि उत्पादक वे कहलाते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं जी हाँ उत्पादक वो कहलाते हैं भाई एक बार लाइक शेयर कर दो और नहीं तो फिर ये क्लास हमको मतलब सवेरे सवेरे छह बजे जगते हैं तो कुछ सोच कर जगते हैं है कि नहीं अगर आप लोग ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा यानी कि उत्पादक वो कहलाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रयोग करते ठीक है अपना भोजन बनाने में उपभोक्ता ऑर्गेनिज्म डेट गेट दियर फूड बाई ईटिंग प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स यानी कि उनको शामिल किया गया है जो कि उत्पादक को खाते हैं या अगर हम सरल भाषा में कहें तो उपभोक्ता का ही भक्षर करते हैं मतलब दूसरे उपभोक्ताओं को खाते हैं या वो उत्पादक पर डिपेंड करते हैं अच्छा सर्दी आने लगी उठने का मन नहीं करता है तीसरा है आपका डिकम्पोज यानी कि अपघटक अब घटक क्या है ऑर्गेनिज्म डैट गेट दियर फूड ऑर्गेनिज्म डैट गेट दियर फूड बाय ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि वे होते हैं जो कि जानवर और पौधों के सड़ने और गलने से अपना भोजन प्राप्त करते हैं इनमें वो आते हैं जो जानवरों के सड़ने और गलने से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अब उपभोक्ता को डिवाइड किया गया है अब उपभोक्ता को डिवाइड किया गया है तो आइए उपभोक्ता को डिवाइड करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उपभोक्ता को जब डिवाइड किया गया तो एक दो तीन चार यानी कि जो उपभोक्ता हो गया इसे हमने जब बांटा तो कितने प्रकार से बांटा? तो इसे दोस्तों चार प्रकार से बांटा है कितने प्रकार से चार प्रकार से ये हो गया प्राइमरी आप विश्वास नहीं मानोगे आंख मेरी दर्द हो रही सर दर्द हो रहा है क्योंकि रात में दो बजे सोए हैं ठीक है फिर आपका है सेकेंडरी सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक उपभोक्ता और टर्सरी का मतलब तृतीय उपभोक्ता है ना और अमनी का मतलब सर्वाहारी होता है फिर भी केवल जगह है क्यों क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए ठीक है हाँ जी आपको पढ़ा सके इस वजह से आपके काम आ सके प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक क्या होता है तो ये प्राथमिक हो गया और ये आपका द्वितीयक हो गया और ये आपका तृतीयक हो गया देखिए फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स यानि कि जो सीधे के सीधे पेड़ पौधों को खाते हैं क्या लिखा है फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स यानी कि जो सीधे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहा गया है उन्हें यानी कि आप हरवी वोरस कहते हो या आप शाकाहारी पौधों के नाम से जानते हो जो डायरेक्ट यानी कि फिर क्या लिखा है सेकेंडरी कि कहा गया है तो फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो यानी इसको खा रहे हैं ठीक है ये पेड़ पौधों को खा रहे हैं और ये किसको खा रहे हैं इसको खा रहे हैं तो इन्हें क्या कहा गया है सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है हाँ जी जय माता दी बोलिए प्रेम से आंखें खोलिए है ना फिर आपका टर्सरी टर्सरी क्या होता है फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि इन्हें खाते हैं ठीक है बिल्कुल सेकेंडरी किने खाते हैं प्राइमरी को और टर्सरी किने खाते हैं सेकेंडरी को अब आता है ओमनी वस ये होता है जो कि इन सब को खाता हो यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी आप कह सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ठीक है अगर ये तीनों को खा रहा है तो डेट इज ओमनीवोरस ये आपका ओमनीवोरस है और या इसे आप क्या कहोगे सर्वाहारी कहोगे इतने में किसी को डाउट हो तो बोलो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं चीजें समझ में आई फिर से समझिए पेपर में क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अभी हम आपको लगा के बताते हैं द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर करता है ओमनिवरस पर सर्वाहारी पर तृतीय उपभोक्ता पे प्राथमिक उपभोक्ता पे या ऑल क्या होगा इसका आंसर द्वितीय उपभोक्ता निर्भर करता है यानी सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन क्या होगा इसका जवाब जवाब दीजिए भाई क्या होगा इसका जवाब द्वितीय उपभोक्ता देखो भाई जो जगेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा ठीक है और बाद में एग्जाम हॉल में रोएगा जो सोएगा वो खोएगा एग्जाम हॉल में रोएगा तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा तो सी आपका हो जाएगा आते हैं अब यहां पे दे रखा है कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता अब यहां पे जरा आप ध्यान दीजिए कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या क्या कहलाते हैं जैसे कि प्राइमरी है सेकेंडरी है और टर्सरी है ठीक है बिल्कुल तो प्राइमरी उपभोक्ता में आप देख पा रहे हो इसको पहले जूम कर देते हैं क्या कर देते हैं इसको दोस्तों जूम कर देते हैं है ना हाँ ताकि आप आराम से देख सको और समझ सको तो प्राइमरी में क्या कहलाता है तो यहां पे आप देखिए प्राइमरी में आर हेट्रोटॉप्स ऑर्गेनिक्स डैट कैन नॉट मेक दियर ऑन फूड दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिक्स यानी कि कंज्यूमर उन्हें कहते हैं कंज्यूमर की परिभाषा दे रखी है उन्हें कहा गया है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं वे उपभोक्ता कहलाते हैं क्या कहलाते हैं तो ये उपभोक्ता कहलाते हैं अब हम बात करेंगे प्राइमरी तो हर्बी वोरस डेट ईच वेजिटेशंस यानी कि इन्हें शाकाहारी के नाम से भी जानते हैं जो यानि कि वेजिटेशन यानी कि साग सब्जी वगैरह खाते हैं जैसे कि घास ऊपर हो गया टिड्डा हो गया रैबिट्स हो गया स्नेल्स हो गए है ना तो ये सब क्या कहलाते हैं प्राथमिक कहलाते हैं ये सब क्या कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे इसी तरीके से आगे आता है सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस होते हैं कार्निवोरस का मतलब क्या होता है मांसाहारी कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी यानी कि वे पौधे यानी कि वे जो जीवधारी डेट इट्स हर्बीवोरस जो शाकाहारी को निपटा देंगे उन्हें आप क्या कहोगे कार्निवोरस कहोगे मांसाहारी कहोगे जैसे कैट है फिर आपका फॉक्स है फिर आपका ऑल है ठीक है ऑल मतलब उल्लू होता है तो जो ज्यादा देर तक सोएगा वो जाहिर सी बात है उल्लू बन जाएगा ठीक है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रवि जी सिंपल अंग्रेजी है कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी होता है ठीक है हाँ सरल है आप देख सकते हैं कोई कठिन नहीं है फिर आपका टर्सरी कंज्यूमर होता है कौन होता है टर्सरी कंज्यूमर होता है सर टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है टर्सरी कंज्यूमर का मतलब वो होता है जो कि टॉप कॉर्निंग होते हैं जैसे कि लायन, बियर्स ये क्या करते हैं ये आपको इसको भी निपटा देते हैं ठीक है यानी कि आपका सेकेंडरी को निपटा देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं तो टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं ठीक है थीके? हाँ जी उम्मीद करेंगे कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अब आते हैं इसी में देख लेते हैं बायोटिक फैक्टर्स जो यानी ठंडे स्थानों में रहते हैं जैसे स्लो डिकम्पोजिशन रेट बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे ठंड ज़्यादा होती है इसके कारण यहाँ पर इनमें क्या होता है ठंड ज़्यादा होने के कारण इनमें डीकम्पोजिशन यानी कि जो चीज़ों का जमाव होता है कम होता है वेजिटेशन हो या एनिमल हो या समर्ट अब वेजिटेशन फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स मोसिस टुंडरा का जो यानी ठंडे स्थानों का जो आपका बायोटिक घटक होता है उसमें लीचेन पाया जाता है मॉसेस पाए जाते हैं पेपर में क्वेश्चन आया है कि ठंडे स्थानों पर क्या पाया जाता है तो वो आपका मॉसेस पाया जाता है और लीचेस पाया जाता है इसी तरीके से एनिमल है इसी तरीके सेमर है ठीक है इसको कल हम और यानी कि डिस्क्राइब करेंगे और बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर ठीक है समय समाप्त होता है आप छः बजे आ जाया करो हम भी छः बजे आ जाते हैं इसी के साथ अब जो क्लास होगी वो आपके राम सर की होगी तो आपको लगे रहना है कहीं नहीं जाना है आपका दिन शुभ हो तो कैसा रहा क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा छः बजे जगने का कोशिश किया की कीजिए ठीक है क्योंकि रात में आप दस ग्यारह बजे तक सो ही जाते होंगे है ना चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अगले वीडियोज़ में ठीक है तब तक के लिए एग्जामपुर को सब्सक्राइब कीजिए ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए हमें दीजिए इजाजत जय हिंद जय जै भारत